ग्राफ थेरी एल्गोरिथम्स के एक नए एपिसोड में मैं आपको खुश कहता हूँ मेरा नाम अशरफ इकबाल है मेरे साथ uh, इस सफ़र में डिस्कवरी, डिस्कवरिंग ग्राफ थेरी एल्गोरिथम्स के इस सफ़र में यासिर हाशमी मेरा साथ देंगे uh, कोमल सैद मेरा साथ देंगी uh, इसमें आपको मालूम है कि हम सवाल करते हैं हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जहन में भी कुछ सवाल पैदा हों uh, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब उस वक़्त ही आप सोच सकते हैं जब आप सवाल को सही तरीके से अपने जहन में फॉर्म्युलेट कर सकें तो सवाल पैदा करना या सवाल आपके जहन में आना ये एक फ़ित अमल है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आ, इस सफ़र में मैंने जैसे आपको बताया हम एक दूसरे से सवाल करते हैं हम जवाब देने की कोशिश करते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हम जवाब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसके बारे में सोचेंगे हो सकता है आपको जवाब मिल जाए खुद से जवाब मिल जाए और यह भी हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद जब हम आगे चलेंगे मुख्तलिफ एपिसोड में तो हम आपको उसका जवाब प्रोवाइड कर दें लेकिन सोचना पहली शर्त है सवाल पैदा होना दूसरी शर्त है और सवालों के बारे में एजिटेट होना एक और अहम स्टेट ऑफ माइंड है जो आपकी होनी चाहिए आपको महसूस करना चाहिए आपको सवालों के जवाब ढूंढने के लिए परेशानी होनी चाहिए कोशिश होनी चाहिए जद्दोजहद होनी चाहिए तो अब इस डिस्कवरी के सफ़र में आ, ग्राफ एल्गोरिथम्स और ग्राफ थ्योरी और एल्गोरिथम्स के सफ़र में मैथमेटिक्स के आइडिया मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यासिर हाशमी हमको आ, थिंकिंग के बारे में हमारी हेल्प करेंगे और कोमल सैद हमें बीच में इंटरप्ट करेंगी रीजनिंग प्रोवाइड करेंगी और कॉमन सेंस से आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करेंगी तो अब हम अपना नया एपिसोड शुरू करते हैं मैं आपको पहले डिटेल से ये बता देता हूँ कि आज हम क्या करना चाहेंगे और साथ ही ये भी बता देता हूँ कि लास्ट टाइम इससे पहले जो एपिसोड था उसमें हमने कहाँ पे ख़त्म किया था और आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है बड़ा एक्साइटिंग प्रॉब्लम है हमारे पास एक अनडाइरेक्टेड ग्राफ है आपको स्लाइड इलेवन पर नज़र आ रहा होगा फिगर एलेवन पे इसमें आ, दो वर्टिसज हैं S और T। ये एक अनडेड ग्राफ है इनमें एजिस के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम मैक्सिमम एज डिस्ट पाथ्स और उसके बाद मैक्सिमम वर्टेक्स डिस्जॉइंट पाथ इस ग्राफ में निकाल सकते हैं वर्टेक्स S से वर्टिक्स टी तक ये हम आज भी यही डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम हमने जब ये ख़त्म किया था एपिसोड तो वो एक बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से ख़त्म किया था आपको ग्राफ फिगर 11 पे अगर आप दोबारा देखें तो आपको इसमें ग्राफ एच नज़र आ रहा है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था एक डायरेक्टेड ग्राफ में हमने एक बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की थी और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि हर अनडायरेक्टेड एच को हमने स्प्लिट कर दिया था दो डायरेक्टेड एजिस से जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ए और सी के दरमियान एक अनडायरेक्टेड एज थी उसको हमने रिप्लेस किया था आ, दो एजिस से एक डायरेक्टेड एज ए से सी की तरफ जा रही है आपको नजर आ रही है ग्राफ डी के अंदर और एक डायरेक्टेड एज सी से ए की तरफ आ रही है तो आपको मालूम है कि हम हमारे पास जो पुरानी एक्सपर्टीज थी वो ये थी कि हम मैक्मम एज डिस्टॉइन पार्ट निकाल सकते थे किसी भी ग्राफ में अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ हो एस वर्टिक्स से टी वर्टिक्स तक तो जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डायरेक्टेड ग्राफ में तो अब हमारी सारी पुरानी एक्सपर्टीज़ पुराने एल्गोरिथम्स इस पे लागू हो जाएंगे आप अगर दोबारा देखें फिगर एलेवन के ऊपर तो अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने ट्रांसफॉर्म किया डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर और अब हम इस काबिल हैं कि अपनी तमाम पुरानी नॉलेज इस्तेमाल कर सकें आ, उस वक्त हम यासर से बात कर रहे थे जब लास्ट टाइम हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ था और यासर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ बता रहे थे यासर आप कुछ कहेंगे मैं विक ट्रांसफॉर्मेशन देख के आ, अपने पुराने एलग्रदम्स के बारे में सोच रहा था और इट्स वेरी क्लियर टू मी कि हम इसमें से एच डिसंट इस तरह डायरेक्टेड ग्राफ इसका बना के हम एच डिसंट पास फाइव पॉइंट टू और फाइव पॉइंट वन एलग्रिदम्स से कर सकते हैं तो क्या हम इसमें अब फाइव पॉइंट थ्री से मिनिमम कट भी निकाल सकते हैं जी यासिर हम यही डिस्कस कर रहे थे और आ, इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं आ, बड़ा मज़ेदार होगा अगर अगर आप ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है इसमें इसको डायरेक्टेड बनाएं और उसके बाद हम इस पर एलगोरेथम फाइव और 5.1 लगा के देखते हैं और फिर हम कंपेयर भी करेंगे कि अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता जैसा कि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था तो फिर हमारे रिजल्ट अब किस तरह से मुख्तलि होंगे एक डायरेक्टेड ग्राफ की नस्बत से तो आ, इसको आगे ज़रा करके देखते हैं आ, इस इसमें मज़े की बात यह होती है ग्राफ थे एल्गोरिथम्स के कोर्स में कि जब तक आप आ, कोई चीज़ खुद से करके नहीं देखेंगे जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर सकते तो अगर मैं सिर्फ आपसे बात करना शुरू कर दूँ और आपको बताऊँ कि ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा तो लेट्स लुक एट फिगर ट्वेल्व के ऊपर हम अब डायरेक्टेड ग्राफ से शुरू कर रहे हैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम पहले ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो अब हमारे पास ग्राफ डी है आपको नज़र आ रहा है उस ग्राफ डी पे हम एल्गोरेथम फाइव पॉइंट टू अप्लाई करते हैं और हम एक एज डिस्ट पात निकालते हैं वो आपको राइट right डायग्राम में नजर आ रहा है हम उसको इनिशियल ग्राफ एफ कहते हैं और उसके बाद उस पात की जो हमने निकाला था उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं उसके बाद फिर हम ये एल्गोरिथम 5.2 चल रहा है आ, वो एक और पाथ निकालता है उस पाथ की डायरेक्शंस को उस पाथ में जो एजिस बीच में आई हैं उनकी डायरेक्शंस को दोबारा रिवर्स करता है यहाँ तक के एस और टी के दरमियान जाने के सारे रास्ते एस से टी तक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ये आपको बॉटम डायग्राम में फाइनल ग्राफ एफ की शक्ल में नजर आ रहा है और यहाँ से आप मिनिमम कट भी उसी तरह निकाल सकते हैं जिस तरह आपने डायरेक्टेड ग्राफ में निकाला था तो ये प्रॉब्लम फाइंडिंग मैक्सिमम एच डिस पाथ्स फ्रॉम वर्टेक्स एस टू वर्टेक्स टी इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ बड़े मजे से बड़ी आसानी के साथ बड़े क्यूट तरीके से सॉल्व हो जाता है अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करें तो या फिर आपका जवाब यही है कि uh, हम फाइव और फाइव के जरिए से मैक्सिमम एच डिस्टॉइंट पार्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद 5.3 एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन किया था डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए मिनिमम कट निकालने के लिए उसको इस्तेमाल करके हम मिनिमम कट पीस ग्राफ में निकाल सकते हैं आई कैन ऑल्सो सी एंड टेल मी इफ आई मिस्टेकन के जो हमारा ग्राफ है जो हमारा पुराना इसी तरह का डायरेक्टेड ग्राफ था उसके और इसके दरमियान एक सिमिलैरिटी मुझे नज़र आ रही है द नंबर ऑफ एच डिस्ट पार्टी

मतलब एच डिसंट पार्ट निकालने के हवाले से अन डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह मुख्तफ था डायरेक्टेड ग्राफ के लिए तरफ लेकिन इसमें एक बड़ा अहम फर्क है और वह फ़र्क यह है कि अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ में एस और टी तक एच डिसंट पार्ट्स निकालें और उसके बाद uh, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको uh, दो उनकी तादाद है अगर आप टी से एस तक अन डायरेक्टेड ग्राफ में मैक्सिमम एच डिसंट पार्ट निकालें तो उनकी तादाद भी एग्जेक्टली बराबर होगी जबकि डायरेक्टेड ग्राफ्स में ऐसा नहीं था और यह आपको डायग्राम अगर आप देखें फिगर एटीन के अंदर तो आपको नजर आएगा यहां वही अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको दिया गया है और उसमें लेफ्ट डायग्राम में आपको एस से लेके टी तक मैक्सिमम एच डिस ज्वाइंट नजर आ रहे हैं जबकि लेफ्ट राइट डायग्राम में आपको टी से एस तक मैक्सिमम एज डिस पाथ नज़र आ रहे हैं तो ये ये ज़रा सोचिए कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में आखिर ऐसा क्यों होता है कि जितने एस से टी तक एज डिसंट पाथ हैं उतने ही टी से एस तक एज डिस पाथ होंगे इनफैक्ट वो पाथ भी वही होंगे फर्क सिर्फ उनमें ये होगा कि आप एजेस की डायरेक्शंस को रिवर्स कर दें जबकि डायरेक्टेड ग्राफ्स में ऐसा नहीं था और ये मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको आपकी क्योसिटी से फ़ायदा उठाने के लिए फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर आपको ग्राफ फिगर 19 में ग्राफ एच और ग्राफ जे दिखाऊं और अगर आप इस पे तो डालें तो इसमें आप देखें कि एस से टी तक ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि एस से टी तक जो नंबर ऑफ एच डिसंट पात आपको नजर आ रहे हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं कितनी होगी लेकिन टी से एस तक कोई भी एच डिस जॉइंट पाथ इसमें नहीं होगा हो, हो सकता है कोई हो लेकिन इस ग्राफ में स्पेशली कोई भी एच डिसंट पाथ फ्रॉम टी टू एस एग्जिस्ट नहीं करता इसी तरह ग्राफ जे के अंदर भी यही सूरत हाल है कि एस से टी तक तो काफ़ी सारे इन तीन एच डिसंट पाथ हैं जबकि टी से एस तक कोई एच डिसंट पाथ नहीं तो ये एक बड़ा अहम फर्क है अन ग्राफ्स और डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर कि अन ग्राफ्स में जितने एच डिसंट पार्थ इनफैक्ट जितने पार्थ्स एस से टी तक होंगे उतने ही पार्थ टी से एस तक होंगे आप मजीद कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि जो हमारा एज डिस्टर्मेंट पात हमने निकाल लिया तो मिनिमम एज कट जो है आ, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे हाँ जी उसके बारे में हम अभी बात करते हैं लेकिन आ, इससे पहले मैं कोमल से एक सवाल पूछना चाहूँगा और ये ये सवाल बड़ी फंडामेंटल नेचर का है इसलिए कि इससे पहले आ, हमने इनमें हमने जो हमारी जो आज मंथिल जो हमने अचीव की है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से की है और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी कि हमने एजेस को अनडायरेक्टेड एजेस को डायरेक्टेड एजेस में दो डायरेक्टेड एजेस में स्प्लिट किया था और एक नए ग्राफ में ट्रांसफॉर्म कर लिया था इससे पहले आपको याद होगा कि जब हम डायरेक्टेड ग्राफ्स की बात कर रहे थे तो वर्टिक्स डिस्जॉइंट पास निकालते हुए हमने हर वर्टिक्स को दो वर्थस में स्प्लिट किया था और जिनके दरमियान एक इंटरनल एज थी तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं ये एक बड़ा पावरफुल रोल अदा करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए ये हमें मदद करती हैं कि किस तरीके से हम एक पुरानी इंफॉर्मेशन पुरानी नॉलेज जो हमारी होती है उसको इस्तेमाल करके आ, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और पुराने एल्गोरेथम्स उस ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ पर अप्लाई कर देते हैं कोमल से मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमने एज स्प्लिटिंग की है अनडायरेक्टेड ग्राफ की हर एज को हमने दो डायरेक्टेड एज एजिस के अंदर स्प्लिट किया है तो हमारे पास अब ग्राफ जो आया है अनडायरेक्टेड ग्राफ एच था फिगर थर्टीन के अंदर उसको हमने कन्वर्ट किया ग्राफ डी के अंदर और ग्राफ डी पे हमने सारे ऑपरेशन किए हैं यानी हम जब एज डिस्ट पास निकालेंगे तो वो ग्राफ डी के अंदर निकालेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने एक नया ग्राफ बनाया है क्या ये नया ग्राफ डी और पुराना ग्राफ एच क्या ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर ग्राफ एच के अंदर होगी तो क्या वो प्रॉपर्टी ग्राफ डी के अंदर होगी क्या आप आंखें बंद करके ये एज्यूम कर सकते हैं कि चाहे ये ग्राफ हो या ये ग्राफ हो हम अगर कोई ऑपरेशन करना चाहें हम कोई प्रॉपर्टी देखना चाहें तो वो यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं हमें इसके बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं ये बार दफ़ा हमें गलत रास्ते पर भी ले, ले जा सकती हैं हम इससे गलत कंकलूजन्स निकाल सकते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मेसन किस वक्त हमें आ, हमें एक इक्वलेंस बता रही हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल इस ग्राफ के बराबर है इसमें अगर आप एजिस जॉइंट पास निकालेंगे और इसमें आप एजिस ज्वाइंट पास निकालेंगे तो वो बिल्कुल बराबर होंगे क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है इन दो ग्राफ के अंदर कि यहाँ पे मुख्तलि और यहाँ पे मुख्तलिफ हो, हो। कोमल अगरचे दो ग्राफ डिफरेंट हैं लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर दोनों सेम है लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें काफी सारी और प्रॉपर्टीज हैं जो सेम ना हों तो आपने कोमल सही कहा और इसमें हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ तक एज डिस्टॉइंट पाथ्स का ताल्लुक है और ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि मिनिमम एज कट का सवाल है तो ये ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं आप यहाँ पे एज कट निकालें या यहाँ पे एज कट निकालें वो एक जैसा निकलेगा लेकिन इनमें मुख्तल बातें भी हैं मिसाल के तौर पर मैं एक और ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ फिगर फोर्टीन के अंदर ये एक ट्री ग्राफ है आपको पता है ट्री ग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें साइकिल्स नहीं होते और इस ट्री ग्राफ के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हम एक जगह से अगर चलते हैं तो हम उस जगह वापस नहीं आ सकते जैसा कि मैंने आपसे कहा इसमें साइकल्स नहीं है अगर इस ग्राफ को हम कन्वर्ट करें एक और ग्राफ के अंदर जिसमें हर अन एज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें आ, दो डायरेक्टेड एजेस में जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चल रही हूँ तो आपको नजर आ रहा है फिगर फोर्टीन के अंदर राइट डायग्राम में वो ट्रांसफॉर्मेशन अब अगर ये दो ग्राफ्स हम देखें तो इनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ है मिसाल के तौर पर एक ग्राफ ऐसा है जिसमें कोई साइकल्स नहीं है जबकि दूसरा ग्राफ ऐसा है जिसमें साइकिल्स हैं तो ये ग्राफ एग्जैक्टली बराबर नहीं है तो अब अगर आप फिगर थर्टीन में दोबारा से हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखें जिसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ एच को वर्टिक्स एस है वर्टिक्स टी है उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एज़ फार एज़ नंबर ऑफ़ एच डिसंट पाथ्स आर कंसर्न्ड इन ग्राफ एच उनकी तादाद बिल्कुल बराबर होगी आ, ग्राफ डी में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एच डिसंट पाथ्स हैं तो इस हद हाँ तक तो हम कह सकते हैं लेकिन ये जो इनके के दरमियान सिमिलैरिटी है इसको हमें मज़ीद आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए इनके दरमियान सिमिलैरिटीज भी हैं इनके दरमियान डिफ्रेंस भी हैं इन दोनों को अंडरस्टेंड करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं मिसाल के तौर पर फिगर फिफ्टीन में अगर आप देखें तो उसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एस से टी तक हमने मैक्सिमम एच डिसंट पार्ट्स की निशानदेही की हुई है मुख्तलिफ कलर्स के साथ अब आप सोच सकते हैं इस पर जरा थोड़ी तोज्जो दें कि जितने मैक्मम एच डिसंट पार्ट्स इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में होंगे उतने ही मैक्सिमम एच डिस जॉइंट पार्ट्स ग्राफ डी के अंदर होंगे और इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने उन uh, एलगोरिथम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए ऑपरेट करते हैं uh, मैं थोड़ा सा मजीद uh, इसके बारे में कहूँगा लेकिन इससे पहले या सिर्फ अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर जब हम पहले डायरेक्टेड uh, ग्राफ्स में एल्गोथम फाइव पॉइंट टू लगाते थे तो हम उससे एक क्लीन ग्राफ निकालते थे अनयूज एजेस जो थी वो निकाल निकाल लेते थे और फिर क्लीन ग्राफ निकालते थे और उससे फिर हम इट बिकेम वेरी क्लियर के मिनिमम कट किस तरह होता है कैन यू कैन यू शो हाउ दैट वर्क इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड अनडेड जी आ, अगर आप फिगर सिक्सटीन में देखें तो इसमें ग्राफ डी आपको नजर आ रहा है और इसमें दो जो हमने एज डिस्ट पाथ निकाले थे वो भी आपको मुख्तलिफ कलर्स के साथ नजर आ रहे हैं आ, इन वो एजिस जो इन पाथस में इस्तेमाल हो रही है उन एजेस के अलावा जितनी भी एज़े हैं वो सारी आपको मालूम है अनयूज एजेस की कैटेगरी में आती हैं और एल्गोरिथम 5.2 उन उन एजेस की उन अनयूज एजेस की निशानदेही कर देता है अगर उन सारी एजेस को हम हटा दें तो हमारे पास एक क्लीन ग्राफ आता है और वो ग्राफ डी आपको नज़र आ रहा है विदाउट अनयूज एजेस फिगर uh, सिक्सटीन की राइट right डायग्राम में तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है कि हमने अनयूज्ड एजेस हटा दी हैं और अब हमारे पास एक क्लीन ग्राफ है उसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होंगी एस और टी वर्टिसज के अलावा तमाम वर्टिस की इन डिग्री आउट डिग्री बराबर है अब हम अपना uh, बड़ा नीट एंड क्लीन एल्गोरेथम 5.1 इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं और वह मैक्मम एज डिस जॉइन आपको दे देगा इसी तरह से हम मिनिमम कट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में पहले हम निकालेंगे और वही मिनिमम कट अनडायरेक्टेड ग्राफ में आ, हम उसको देख सकते हैं कि उसका क्या मतलब है फिगर 17 के अंदर डायरेक्टेड ग्राफ डी के अंदर मिनिमम कट आपको नजर आ रहा है और मिनिमम कट में वो एजेस आपको नज़र आ रही हैं जिनको रिमूव करने से एस और टी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस के साथ आपको अन ग्राफ एच के अंदर यही मिनिमम कट नज़र आ रहा है तो हम मिनिमम कट निकालते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अपना एलगोरेथम फाइव इस्तेमाल करके उसके बाद उस कट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अन ग्राफ के अंदर तो यहाँ इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जिसमें हमने हर एज को दो एजेस में डिवाइड कर दिया था इसके जरिए हम एच भी निकाल लेते हैं और साथ ही मिनिमम कट भी निकाल लेते हैं जी आपको याद होगा आपको ये फिगर नाइनटीन बी पे एक डायग्राम नजर आ रही है हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था इससे पहले एक एपिसोड में और उसमें हम चाह रहे थे कि एक एच बढ़ाने से एक एच को डुप्लीकेट करने से एक सड़क को डुप्लीकेट करने से किस तरीके से हम नंबर ऑफ एज डिस पाथ्स पार्ट्स एस ओ टी के दरमियान बढ़ा सकते हैं तो उसमें हमने सोचा था हमने प्रॉब्लम uh, सॉल्व कर रहे थे यासिर के साथ और कोमल के साथ तो हम कह रहे थे कि हमें मिनिमम कट मालूम होना चाहिए अगर मिनिमम कट की किसी एज को हम डुप्लीकेट कर दें तो चांसेस हैं कि हमारे नंबर ऑफ एज्वाइंट पार्ट बढ़ जाएंगे या फिर आपको याद है ना इसके कुछ ऐसी मिनिमम कट की जिनको डुप्लीकेट करने से हमारा मसला हल हो जाता था अगर मिनिमम कट के अलावा किसी एज को डुप्लीकेट करें तो फिर हमारा यकीन मसला हल नहीं होता था that's, कुछ ऐसी तो सवाल ये था कि मिनिमम कट किसी तरीके से निकाला जाए अब इस ग्राफ में एक तो तरीका मिनिमम कट निकालने का यह था कि आप अपना एल्गोरिथम लगाएं 5.2 और 5.3 और 5.1 और वहां से मिनिमम कट निकालें और मैक्सिमम एज डिस ज्वाइंट पार्ट निकालें उससे पहले और उसके बाद फिर आप मिनिमम कट फॉर्मल तरीके से निकालें तो कोमल ने यह कहा था कि कोई जरूरत नहीं है ये फॉर्मल तरीका अप्लाई करने की यह कट तो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल तो फिर हमने रियलाइज किया था कि अच्छा देखते हैं कि क्या वाकई ये कट है कि नहीं और हमने जब अपना एल्गोरिथम चला के देखा था तो वह कट मुख्तलिफ निकला था कोमल के कट से तो यह नाइनटीन बी के अंदर फिगर नाइनटीन बी के अंदर आपको वो एक्चुअल जो कट हमने निकाला था वो नजर आ रहा है इसमें आपको जो कोमल ने प्रोपोज किया था कट वो भी नज़र आ रहा है अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सोचें ज़रा आप विजुलाइज करें इस ग्राफ को कि जैसे ये अनडाइरेक्टेड ग्राफ होता अगर ये अन डायरेक्टेड ग्राफ होता है इसका मतलब इसमें जितनी सड़कें थी वो टू दोनों डायरेक्शंस uh, में होती वन वे सड़कें ना होती तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाता में आप हर एज को, को दो डायरेक्टेड से रिप्लेस कर देते एक एज एक्स से वाई जा रही होती दूसरी एज वाई से एक्स जा रही होती अब इससे पहले कि मैं आपको वो ग्राफ दिखाऊं उसका जवाब भी आपको बताऊं आप जरा खुद से सोचने की कोशिश करें कि एक तो वो मिनिमम कट आपको नजर आ रहा है जो जो हमने एल्गोरिथम के जरिए से निकाला था क्या आपके ख्याल में वही कट होगा अब भी आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि अंडर एक्टेड ग्राफ अगर ये होता या अगर हो तो क्या यही कट निकलेगा और कोमल का, का कट भी आप अपने जहन में रखिए आपको याद है कोमल ने वो कट किस तरह से निकाला था उन्होंने कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने अपने दिमाग के अंदर विजुअल प्रोसेसिंग की थी और ये एक चीज नजर आ रही थी कि सिर्फ दो एजेस कट रही हैं और वहां से उन्होंने फटाफट वो कट निकाल दिया था लेकिन वो कट मुख्तलिफ निकलता था उस कट से जो हमने एल्गोरिथमिकली निकाला था तो अब आप बताइए आपने जवाब निकाल लिया या फिर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में मेरे ख्याल में कि अब कट जो है वो वही आएगा जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में वही आएगा जो जो कोमल ने आइडेंटिफाई किया जी आ, तो आपने बिल्कुल सही कहा या फिर इसमें ग्राफ 19 फिगर नाइनटीन बी पे आपको नजर आ रहा है कि इसमें अगर हम एज़्यूम करें कि डायरेक्शंस नहीं हैं और आप भी अपनी जहन के अंदर विजुलाइज़ करने की कोशिश करें आ, मैं आपको अभी ग्राफ़ नहीं दिखा रहा वो बाद में दिखाऊंगा बहुत ग्राफ हम आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफ आप ऐसे भी हैं जो आप अपने जहन में बनाने की कोशिश करें या सोचने की कोशिश करें आप एज़्यूम करें कि ये ग्राफ अनडायरेक्टिड है उस केस में जैसे यासर ने कहा कि मिनिमम कट वो नहीं होगा जो डायरेक्टिड के केस में आपको नज़र आ रहा है बल्कि मिनिमम कट वही होगा जो कोमल ने आ, सोचा था कि मिनिमम कट ये होना चाहिए ऐसा क्यों होगा जरा सोचिएगा वो मिनिमम कट जो डायरेक्टेड ग्राफ में था वो किस तरह से मूव करके कोमल के कट में कोमल के कट तक पहुंच जाएगा उसकी क्या वजह होगी वो भी जरा सोचिएगा एस से टी तक जितने एच डॉइन पार्थ हैं डायरेक्टेड ग्राफ में और अनडायरेक्टेड ग्राफ में उनकी तादाद इन तमाम चीजों के बावजूद बराबर रहेगी अगर मिन कट मूव कर गया है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पाथ्स डायरेक्टेड ग्राफ में भी उतनी है जितने के अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक फर्क अहम यह है कि अब टी से एस तक जो पार्ट्स हैं एच डिस हैं उनकी तादाद भी वही है जो एस से टी तक थी अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो यहां आ, अब हम इस काबिल हैं कि हमें एक एहसास हो गया है किस तरीके से हमारा हमारे जो नए एल्गोरिथम्स हमने डिज़ाइन किए हैं इनफेक्ट नए एल्गोरिथम्स हमने डिज़ाइन ही नहीं किए हमने तो सिर्फ अपने अनडेड ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किया है एक नए ग्राफ में और उसके बाद हमने सारे पुराने एलगोरेथम इस्तेमाल करने की कोशिश की है ये हमारा स्टाइल थ्रू आउट रहेगा इस कोर्स के अंदर कि हम कम से कम चेंज करके अपने पुराने एलगोरेथम्स के अंदर हम नए एल्गोरिथम uh, डिस्कवर करने की कोशिश करें सिर्फ ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके एक नए ग्राफ के अंदर तो चले अब देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के uh, की हमें क्या कीमत uh, देनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओर नोटेशन के अंदर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई है आपके सामने फिगर 15 के अंदर अनडायरेक्टेड ग्राफ नज़र आ रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके सामने डायरेक्टिव ग्राफ भी नजर आ रहा है जिसमें हर एज को हमने स्प्लिट कर दिया है दो एजेस के दरमियान दो एजेस से स्प्लिट कर दिया है तो कोमल इसमें नंबर ऑफ एजेस में कितना इजाफा हो जाएगा हमारा वर्टिस में तो कोई इजाफा नहीं हुआ एजेस में कितना इजाफा हो जाएगा एजेस जो है वो डबल हो जाएंगे टू हो जाएंगे तो अगर आ, नहीं एजिस टू नहीं हो जाएंगे एजेस टू हो जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो नया ग्राफ है उसमें वर्टिस की तादाद तो वही रही पी लेकिन एजेस की तादाद 2q हो गई तो इससे हमारा जो आ, जो हमारी एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन किए थे डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए जो डिज़ाइन किए थे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा एक कांस्टेंट फैक्टर सिर्फ उनके साथ आ जाएगा इसका मतलब यह है कि ये एक पावरफुल ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक चीप ट्रांसफॉर्मेशन है कि इसके लिए हमें ज़्यादा प्राइज़ पे नहीं करनी पड़ती तो ये हमारा काम ख़त्म होता है आ, हमने मैक्सिमम एज डिस्टॉइंट पार्ट्स एस से टी तक एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में निकाले और साथ ही हमने मिनिमम कट भी निकाला आ, उन एजेस की निशानदेही की उन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की निशानदेही की जिनको हटाने से एस और टी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं और वो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के साथ है और आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या होगा हम मैक्मम वर्टिक्स डिस्चॉइंट पार्ट्स निकालना चाह रहे हैं एस ओ टी के درمیان और हमारा स्टाइल वही है कि हम अपनी पुरानी नॉलेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पुराने एल्गोरिथम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मैक्सिमम वर्टेक्स डिस्ट पाथ निकालने के लिए और साथ ही मिनिमम वर्टेक्स कट निकालने के लिए वो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेसिस जिनको हटाने से एस और टी के दरमियान सारे रास्ते बंद हो जाए तो या फिर चले आगे तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमने वर्टिक्स डिस्जॉइंट पार्थ इस तरह निकाले थे कि हमने वर्टेस स्प्लिट कर दी थी और उनके दरम्यान एक एज लगा के वी रिप्लेसड ईच वर्टिक्स रेली विद टू वर्ट इन एन एज तो क्या हम अनडारेक्टेड ग्राफ्ट में भी इस यही प्रोसीजर करेंगे यही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जी आपको याद होगा आ, हमने हमने वर्ड एज डिस्ट पास निकालने के एलगोरिथम शुरू में डिस्कस किए थे मैक्मम एज डिस्ट पास निकालने के उसके बाद हमने मैक्मम वर्टिक्स डिस्टॉइन पास निकाले थे डायरेक्टेड ग्राफ्ट के अंदर वर्टिस को स्प्लिट करके और उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो मेजर हमने किया था वो ये कि अन डायरेक्टेड ग्राफ में हमने मैक्सिमम एज डिसंट पास निकाले थे अब इस वक्त हम एक बड़ी मजेदार स्टेज में हैं आ, लर्निंग के और वो ये है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस एल्गोजम को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि हम मैक्ममम वर्टिक्स डिस्टीट पास निकालना चाह रहे हैं एक अन डायरेक्टेड ग्राफ में एस के درمیان तो इस वक्त सारी नॉलेज आपके पास है आप एक बड़ी मजेदार पोजीशन में हैं कि आप ये खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा या क्या होना चाहिए आप डिस्कवर कर सकते हैं सोचिए कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा सोचने से आपको मालूम हो जाएगा एक्सपेक्टेशन लेवल होना चाहिए इस वक्त आपका कि हम डायरेक्टेड ग्राफ्स में हम मैक्मम एच डिस जॉइंट पास निकाल सकते हैं हम डायरेक्टेड ग्राफ में वर्टिक्स डिस् जॉइंट पास निकाल सकते हैं वर्टिस स्प्रिट करके हम अन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एजिस को स्प्रिट करके एक एज को दो डायरेक्टेड एजस से रिप्लेस करके मैक्मम एच डिसंट पास निकाल सकते हैं और अब नया प्रॉब्लम है कि किसी तरीके से हम मैक्ममम वर्टिक्स डिस् जॉइंट पास निकालें अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो अब आपके पास बिल्कुल जैसे जिक्सा फजल होता है उसके सारे पीसेज आपके पास हैं वो इमारत अब आपने खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है खुद से सोचना है कि क्या करें आप कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि हम इन तीनों चीज़ों को अगर सामने रखें तो हम बड़ी आसानी से ये सोच सकते हैं और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए ये चीज़ कि हम हमारे पास ग्राफ है उसको पहले डायरेक्टेड बना लें एजिस को स्पलिट करके और उसके बाद वर्डिस को भी स्प्लिट कर दें जो पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की थी अलग अलग अब वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लिट करने की ट्रांसफॉर्मेशन और एज स्प्लिट करने की ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दें इसमें कोई मसला नहीं होगा या सर आपका क्या ख्याल है एक्चुअली इसमें थोड़ी बहुत विजुलाइज uh, करने में मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली जब हम डायरेक्टेड ग्राफ में व, जो थी वर्टिस स्प्लिट करते थे तो एक वर्टिक्स uh, में हम इनकमिंग एजस लगाते थे और एक में हम आउट एजेस लगाते थे आ, इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम ये अरेंजमेंट किस तरह करेंगे जरा मुझे विजुलाइज़ करने में हेल्प कर दी जी जैसा कि आपको आ, नजर आ रहा है डायरेक्टेड ग्राफ में हमने जब वर्टिस को स्प्लिट किया था तो एक वर्टेक्स को हमने दो वर्टिस में स्प्लिट किया था एक्स को एक्स वन और एक्स टू में स्प्लिट किया था डायरेक्टेड ग्राफ था उस वक्त उसमें जो इनकमिंग एजेस थी एक्स के अंदर वो सारी हमने अब एक्स पे डाल दी थी एक्स से एक एज डायरेक्टेड एज जा रही थी एक्स के एक्स के अंदर और जितनी आउट गोइंग एजिस थी एक्स के साथ वर्टेक्स एक्स के साथ उन सारी आउट गोइंग एजेस को हमने एक्स के साथ डाल दिया था तो ये तो वहां पर तो कोई हमें सोचने में कोई परेशानी नहीं हुई थी यहां पर भी हमें परेशानी नहीं होगी अगर आप फिगर 20 के अंदर देखें कि किसी भी वर्टेक्स ए को हम उसके अंदर आप देखें अनडायरेरेक्टेड एजेस आ रही हैं पहली बात तो ये कि अनडायरेक्टेड एजेस आ रही हैं वर्टेक्स ए के अंदर हर अनडायरेक्टेड एज पे आ रही है, उसको पहले आप दो डाय कलर एजेस नजर आ रही है उसको आपने दो हिस्से कर दिए राइट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है अब हर अन एज के कॉरस्पॉन्डिंग दो डायरेक्टेड एजेस है अब एक एज आ रही है ए पे और एक एज जा रही है डायरेक्टेड एजेस में हमने स्प्लिट कर दिया उसके बाद दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाए और आपको बॉटम डायग्राम में नजर आ रहा है अब आप वर्टेक्स ए को स्प्लिट कर दें दो हिस्सों के अंदर उसमें एक ए वन होगा और एक ए टू होगा क्योंकि पहले ही हम एजेस को डायरेक्टेड एजेस में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं तो अब आपको सोचने में विजुलाइज़ करने में कोई मसला नहीं होगा अब जितनी इनकमिंग एजेस है वर्टेक्स ए के अंदर वो आप ए पे डाल दें जितनी आउट एजेस है ए के अंदर वो आप ए के ऊपर डाल दें तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी मेरे ख्याल में अब इसको सोचने में आपको परेशानी नहीं होगी या सिर्फ इसमें ज़रा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आ, कुछ इनकमिंग एजेस जो ए में हैं वो वर्टेक्स सी से आ रही हैं उनको भी हम ए वन में लगाएंगे इज दैट करेक्ट जी बिल्कुल सही है तो अगर आप फिगर ट्वेंटी वन पे आप देखें तो उसमें हम डायरेक्टेड ग्राफ एच से शुरू करते हैं अब आपको पूरा ग्राफ में आपको नजर आएगा कि किस तरह उसको ट्रांसफॉर्म कर दो स्टेजेस में हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और दो स्टेजेस में इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे पहली स्टेज है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ ग्राफ एच एच को हम डायरेक्टेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसमें आप देखें कि अब हर एच को स्प्लिट कर दिया है हमने दो एजेस के दरमियान तो अब हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ डी नजर आ रहा है इसमें हर एज डायरेक्टेड एज है अभी हमने वर्टिस को स्प्लिट नहीं किया जो बॉटम डायग्राम है उसमें अब हमने वर्टिसेस को भी स्प्लिट कर दिया तो अब आप देखें कि हमने ग्राफ एच से शुरू किया अनडायरेक्टेड ग्राफ पहली ट्रांसफॉर्मेशन की हमने डायरेक्टेड uh, ग्राफ में तब्दील करने में दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन की वर्टिसेस स्प्लिट करने में मैं uh, इसमें थोड़ा सा आपको इस पर चाहूँगा कि आप इस पर तवज्जो दें ग्राफ एच को अब आप देखिए और ग्राफ डी को देखिए वर्टिक्स स्प्लिटिंग करने के बाद जितने एच डिस्टॉइंट पार्ट जितने एच डिस्टॉइंट पार्थ ग्राफ डी के अंदर होंगे उतने ही वर्टिक्स डिस्जॉइंट पार्ट ग्राफ एच के अंदर होंगे तो ये प्रॉपर्टी ये इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉयड करेंगे कि ग्राफ डी के अंदर अब हम एच डिस्टॉइंट पार्ट निकालेंगे उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से हम एच डिस्टॉइंट पाथ निकालेंगे ग्राफ टी के अंदर जैसे हम किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में एच डिस्ट पास निकालते थे हम अपना एलगोरेथम फाइव पॉइंट टू इस्तेमाल करेंगे वो अनयूज एजिस की निशानदेही करेंगे करेगा और उसके बाद अनयूज एजेस को हटाने के बाद हम मैक्सिमम एच डिस्टॉइंट पाथ इसमें निकालेंगे यूजिंग एल्गोरेथम फाइव पॉइंट वन इसमें हर एच डिस्टॉइंट पाथ कॉरेस्पोंड करता है एक वर्टेक्स डिस्जॉइंट पाथ को ग्राफ एच के अंदर तो इसमें जितने मैक्सिमम एच डिस्टॉइंट पाथ निकलेंगे ग्राफ डी के अंदर उतने ही वर्टेक्स डिस्जॉइंट पाथ होंगे ग्राफ एच के अंदर हम इस किस्म की कॉरस्पॉन्डेंस पहले भी देख चुके हैं जब हमने डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर वर्टेक्स डिस्जॉइंट पाथ निकाले थे और वर्टिस को स्प्लिट किया था वहाँ पे हमने एजिस को स्प्लिट नहीं किया था तो ये प्रॉब्लम तो हमने हल कर लिया कि किस तरीके से हम वर्टेक्स दिस ज्वाइंट पाथ मैक्सिमम वर्टेक्स ज्वाइंट पास निकाल सकते हैं अब दूसरा प्रॉब्लम रह गया और वो प्रॉब्लम था कि किस तरीके से हम मिनिमम वर्टेक्स कट निकाल सकते हैं ग्राफ एच के अंदर तो या फिर उसमें भी मेरा नहीं ख्याल की कोई प्रॉब्लम होगा एक सवाल मैंने पूछना था कि जो हमारा अंडर ग्राफ एच है उसके अंदर जो वर्टिक्स डिस्टॉइंट पाथ हैं बिटवीन एस एंड टी उतने ही पाथ होंगे बिटवीन टी एन एस जी ये आपने बिल्कुल सही सोचने की कोशिश की हमारे नाजरन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए था हमने ये कहा था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आ, किसी भी नोट से किसी दूसरे नोट तक किसी भी नोट एस से किसी और नोट टी तक जितने मैक्सिमम एज डिसंट पाथ हैं उतने ही एज डिसंट पाथ या वर्टेक्स डिसंट पाथ टी से एस भी होंगे तो ये आपका ख्याल बिल्कुल सही है अगर आप एस से टी पे जाना चाहें और या वर्टेक्स एच पाथ निकालना चाहें उतने ही टी से एस पर भी मैक्मम एच डिस होंगे तो ये जो हमने आ, फिगर बनाई थी जिसके अंदर आ, हमने ग्राफ एज को ट्रांसफॉर्म किया था और वर्टिसेस स्प्लिट कर दी थी इसके अंदर अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि टी से एस तक हम आ, किस तरह वर्टेक्सिस जॉइंट पाथ आइडेंटिफाई करेंगे जी ये ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है अगर आप हमारे नाज़रीन भी इसको जरा गौर से देखें पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको एस से टी तक एक पाथ निकाल के दिखाऊं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर हम टी से एस तक पाथ निकाल निकालना चाहें तो क्या वो पाथ भी निकलता है और हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एस से टी तक भी एक पात निकलना चाहिए और टी से एस तक भी एक पात निकलना चाहिए हम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्राफ एच है जिसको ट्रांसफॉर्म करके हम इस ग्राफ तक पहुंचे हैं वहां ये मुमकिन है अगर आप ग्राफ एच में देखें तो वहां एस से टी तक भी एक पाथ मौजूद है और टी से एस भी वही पाथ टी से एस में भी आपको एक रास्ता देता है तो अगर वहां ये मुमकिन है ग्राफ एच के अंदर जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ था वहां ये मुमकिन है तो फिर यहाँ पर भी ये मुमकिन होना चाहिए वरना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ठीक काम नहीं करेगी तो ये एक बड़ा आपने सही कहा ये एक बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन सही काम कर रही है या नहीं इस तरह की एक्सपेक्टेशन हमें बहुत हेल्प करती हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए तो अब आप दोबारा अगर फिगर 21 पे देखें हम एस से टी पर अगर जाना चाहते हैं ग्राफ डी के अंदर तो हम एस से पहले ए वन पे जाएंगे ए वन से फिर हम ए टू पे जाएंगे हम एक इंटरनल एच को ट्रिवर्स करेंगे उसके बाद ए टू से हम सी वन पे जाएंगे और अब हम एक एक्सटर्नल एज को ट्रिवर्स करेंगे उसके बाद सी वन से हम दोबारा सी टू पर जाएंगे और यहां पर हम एक इंटरनल एज को ट्रीवर्स करेंगे और सी टू से हम t पे चले जाएंगे ये जो पाथ है ग्राफ d के अंदर s से ए वन ए टू सी वन सी टू और t ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में कॉरेस्पॉन्ड करता है एस से ए और एस ए से सी और सी से टी इसी तरह से अब अगर हम टी से एस पे आना चाहते हैं तो ग्राफ एच में तो बड़ा सीधा साधा रास्ता आपको नजर आ रहा है हम टी से एस पे आना चाहते हैं। हम टी से सी पे जाएं, सी से ए पे जाएं और ए से एस पे चले जाएं। अब सवाल यह पैदा होता है जो यात्र ने हमसे पूछा है कि अगर हम ग्राफ डी के अंदर टी से एस पे जाना चाहें तो क्या हमारे पास रास्ता मौजूद है यही आपने सवाल पूछा ना बिल्कुल तो अब आप देखें किस किस तरह से किस रास्ते से हम ग्राफ डी के अंदर टी से एस पे जा सकते हैं देखें टी से हम सी टू पे नहीं जा सकते इसलिए कि ये एक डायरेक्टेड एज है और ये सी टू से टी पे आ रही है लेकिन टी से हम सी वन पे जा सकते हैं अब मजे की बात ये है कि सी वन से फिर हम ए वन या ए टू पे नहीं जा सकते सी वन से हम सी पे जा सकते हैं तो हम यू करके गए सी पे फिर सी पे आए और फिर सी से हमने जंप लगाई A1 के ऊपर और फिर A1 से हमने जंप लगाई A2 के ऊपर और फिर A2 से हमने जंप लगाई S के ऊपर तो इस तरीके से ये ये जंप लगा लगा के हम T से S पे पहुंचेंगे तो आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं और ये इस चीज का आ, अब हमें महसूस होता है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ने इस इम्तिहान को पास कर लिया कि हम ग्राफ एच में अगर टी से एस पे जा सकते थे तो ग्राफ डी के अंदर जिसमें हम वर्टेक्स भी स्प्लिट कर चुके हैं उसमें भी हम टी से एस पे जा सक, जा सकते हैं। अगर बड़े मजेदार जी? जी, तो की बात कर रहे थे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिस्ट पार्ट तो निकाल लिए ग्राफ डी के अंदर और हमने वो किस तरीके से निकाले हमने अपने पुराने एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके निकाले आ, अब सवाल ये है कि मिनिमम कट हम किस तरह से निकालें मिनिमम वर्टेक्स कट हम किस तरह से निकालें अगर आप फिगर 22 को देखें तो हमारा इनिशियल ग्राफ एफ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम एक पात निकालते हैं एस से टी तक उसको हम रिवर्स कर देते हैं उसको रिवर्स करने के बाद हम उसकी एजिस को रिवर्स कर देते हैं हम एक और पात निकालते हैं और हम ये करते जाते हैं यहां तक कि एस से टी तक हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं अब हमें प्रॉब्लम वही फेस करना पड़ रहा है वही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं जो हमने वर्टेक्स डिस जॉइंट पार्ट्स डायरेक्टेड ग्राफ्स में फेस किया था कि हमारा जो आ, हमारा जो कट है हमारा जो एज कट है ग्राफ डी के अंदर वो वो कट तमाम इंटरनल एजिस से पास नहीं कर रहा यह बिल्कुल मुमकिन है कि वो इंटरनल एजिस से पास ना करे वो कुछ एक्सटर्नल एजिस से पास करे और कुछ इंटरनल एजिस से पास करे या सारी एक्सटर्नल एजिस से पास करे तो इसका हल करने का बड़ा आसान तरीका है वही तरीका है जो हमने लास्ट टाइम किया था कि ग्राफ डी की एजिस को दोबारा से वापस ग्राफ एफ में डाल दिया जाए उसका नतीजा ये होगा कि हमारा जो कट है वह अब मूव कर जाएगा किसी किसी ऐसी एजेस के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेस नहीं होंगी दूसरे अल्फाज से में हमने अपने कट से दरखास्त की कि यार तुम यहां से इस तरह से ना करो कि एक्सटर्नल को काटो तुम इस तरह से गुजरने की कोशिश करो इस तरह काटने की कोशिश करो कि सिर्फ इंटरनल एजेस को काटो आपको नजर आ रहा है कि अब हमने फोर्स कर दिया अपने ग्राफ को कि वो अब इंटरनल एजिस से गुजर रहा है अब अगर इंटरनल एजिस से वो पास कर रहा है तो हर इंटरनल एज आपको पता है एक वर्टेक्स को कोरिस्पोंड करती है एक्स वन और एक्स टू के दरमियान जो एज है डायरेक्टेड एज है अगर वो कट रही है निकाले, हमने कट निकाला और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ एच के अंदर मिनिमम वर्टेक्स कट निकाल लिया अब अगर आप फिगर 23 पे देखें तो मैंने उन तमाम एल्गोरिथम्स को यहां पे लिस्ट कर दिया है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए मैं थोड़ा सा समेराइज कर दूं पहला काम हमने ये किया कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की हाथ टू वे ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पर हमने एजिस को अनडायरेक्टेड एजेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया डायरेक्टेड एजिस के अंदर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये इस्तेमाल की कि हमने तमाम वर्टिस को एस ओ टी के अलावा तमाम वर्टिस को स्पिट कर दिया दो वर्टिस के दरमियान जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था इन दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डायरेक्टेड ग्राफ में और अब ये जो नया ग्राफ डी आया हमारे पास इसमें हमने आपको याद है आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम एज पार्ट है जो है उनकी तादाद एग्जेक्टली exactly बराबर है वर्टेक्स डिस्टॉइंट पार्ट की अंड्राफ के अंदर और मिनिमम कट भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको फिगर 23 में नजर आ रहा है कि हमने कट को फोर्स कर दिया मिनिमम एच कट को ग्राफ डी के अंदर फोर्स कर दिया कि वो इंटरनल एजिस से पास करे और जब वो इंटरनल एजिस से पास करेगा तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ एच के अंदर अनडायरेक्टेड ग्राफ एच के अंदर हमने वर्टेक्स कट निकाल लिया यहाँ हमारा ये एल्गोरिथम ख़त्म होता है आपने देखा कि हमने अपने पुराने एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया सिर्फ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस इस्तेमाल किए और उसके बाद हमारी जो प्रायर नॉलेज थी वो हमारे काम आई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर हम थोड़ा सा वक्त लगाना चाहते हैं Uh, हमने दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशनस की हैं हमने हर अनडायरेक्टेड uh, एज को दो एजेस में स्प्लिट किया हमने वर्टिस को एस और टी के अलावा जो वर्टिसज हैं उनको भी स्प्लिट किया दो वर्टिसज के दरमियान तो अब कोमल ये बताइए आप मुझे कि uh, नए ग्राफ के अंदर ग्राफ डी के अंदर वर्टिस स्प्लिट करने के बाद और एजेस स्प्लिट करने के बाद पहले ये बताएं कि वर्टिस की तादाद कितनी हो गई है Vertices, अब 2p-2 हो हो जाएंगे। Vertices की तादाद दुगनी हो गई है तकरीबन S और T आपने सही कहा S और T जो है उनको हमने स्प्लिट नहीं किया तो इसलिए आ, अगर उनको भी स्प्लिट कर देते तो एग्जैक्टली exactly 2p हो जाती जी. लेकिन अब चूंकि उनको स्प्लिट नहीं किया तो 2p-2 हो गई है एजिस की तादाद कितनी हो गई है एजिस जो है वो डबल हो गयी टू हो गयी एजिस की तादाद टू हो गई है लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी इसमें इंटरनल एजिस और वो इंटरनल एजिस है एजिस तो, uh, की तादाद डबल हमने शुरू में ही कर दी पहली ट्रांसफॉर्मेशन से ही डबल हो गई थी तकरीबन तो उतनी ही उत इसलिए स्प्रिट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि एजिस की तादाद अब ग्राफ डी के अंदर आ, पहले से दुगनी हो गई और उसमें पी एजिस का मजीद इजाफा हो गया और जो वर्जिस थे उनकी तादाद तकरीबन दुगनी होगी तो जो हमारा इस नए ग्राफ्ट डी के अंदर जो हमारा एल्गोरेथम हम जो इस्तेमाल करेंगे वो पुराने एलगोरेथम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर मैक्मम एच डिस जॉइंट पार्ट या मिनिमम कट निकालने के इसका मतलब यह है कि वर्ड्स के इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बढ़ी सिवाए एक कॉन्स्टेंट के जो बिग ओ के अंदर एड हो जाएगा तो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल भी हैं और इसमें हमें ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करनी पड़ी ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमने एज डिस्टॉइंट पाथ और वर्टेक्स डिस्टॉइंट पाथ हमने मिनिमम एज कट और मिनिमम वर्टेक्स कट अनडायरेक्टेड ग्राफ में निकाल लिया अब हम इसके साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टेड रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो ये है अगर मैं आपको याद करवाऊँ कि हमने ये प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैंने आप, आप आपको बताया था कि कोमल की कोशिश ये है कि मैं अगर कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ अपने दोस्तों को आ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एच डिस्ट पाथ्स के ज़रिए वो भेजने की कोशिश करूँ मैसेज और कोमल की कोशिश ये थी कि वो आ, उन रोड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें उन एजस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें जिन पाथ्स पे मेरे मैसेंजर्स जा रहे थे और मेरे मैसेंजर्स जो थे वो एज डिस पाथ पे जा रहे थे इसलिए एज डिसंट पाथ पे जा रहे थे कि अगर वो एच डिस्टोइंट पाथ पे ना जा रहे होते और मेरे जो पाथ जिन पर वो जा रहे थे उनमें से कोई एच कॉमन होती तो वो कॉमन एच को कोमल बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती थी तो इसलिए मैंने अपने मैसेंजर्स से कहा था कि तुम किसी तरीके से एच डिस्टॉइंट पाथ पे जाओ और उन एच डिस्टोट पाथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोमल को मिनिमम एच कट चाहिए था ताकि वो मिनिमम एचिस को डिस्ट्रॉय करके मेरे मैसेन्जर्स को यहाँ से मेरे दोस्तों के पास जाने से रोक दें तो तो प्रॉब्लम था जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि एक खास जगह से एक खास जगह तक वर्टेक्स एस से सोर्स वर्टेक्स से वर्टेक्स टी तक हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एज डिंट पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर याद है आपको और या फिर हम मिनिमम कट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम एज कट उन एजिस पर मुश्तमिल होगा जिनको हटाने से तमाम रास्ते एस ओ टी के बंद हो जाए अब जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कोमल की कोशिश यह है कि वो कौन सी एजेस होंगी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जिनको डिस्ट्रॉय करने से आ, दो शहरों के दरमियान कोई से भी दो शहरों के कोई से भी दो वर्टिस के दरमियान रास्ते ख़त्म हो जाए ठीक है या आ, दूसरे अल्फाज में ये तो एज कनेक्टिविटी के हिसाब से हमने बात की या हम कह सकते हैं कि वो कौन से वर्टसज हों जिनको हटाने से जिनको डिसकनेक्ट करने से किसी भी दो शहरों के दरमियान किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान रास्ते खत्म हो जाए यानी कि एस ओर टी गिवन नहीं है जी एस ओ टी अब हमारे पास नहीं है फिर भी मिनिमाइज ही करना है हमने मिनिमम एज निकालनी है या मिनिमम वर्टिसेस निकाल रहे हैं जिससे कोई भी टू एनी टू वर्टिसेस गेट डिस्कनेक्ट जी हाँ मतलब ये कहने का ये हुआ कि हम खास एस की बात नहीं कर रहे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अब हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम हैं एक तो यह कि अगर हमें एस ओ टी पता हूं आ, तो हमें पता हो कि एस और टी को डिसकनेक्ट करने से एस और टी के दरमियान कुछ एज़े को डिसकनेक्ट करने से वो कौन सी एजस हैं मिनिमम नंबर जिसको डिसकनेक्ट करने से इनके रास्ते बंद हो जाए लेकिन हो सकता है ये एस और ये टी कुछ ऐसे वर्जिस ग्राफ के अंदर जिनको डिसकनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी एजिस तोड़नी पड़े हमें वो वाले एस ओ टी चाहिए उनकी निशानदही भी हमने साथ करनी है जिनको काटने के लिए जिनके रास्ते ख़त्म करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एजिस Uh, को तोड़ना पड़े right. तो पहले तो आपको आ, हमारे नाजरीन को आ, इसका एहसास इसकी फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस किस्म का है इसके लिए हम एल्गोरिथम्स तो बाद में डिस्कवर करेंगे कि कि वो कौन सी मैं आपको प्रॉब्लम पहले डिफाइन कर दूं कि किसी भी ग्राफ के अंदर और ये अब हम अनडारेक्टेड ग्राफ्स की बात कर रहे हैं किसी भी अनडाइरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम दो वर्डस को डिसकनेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी दो वर्ड को डिसकनेक्ट कर दें शर्त यह है कि नंबर ऑफ एजिस जो आप काटें वो कम से कम हो तो आप अगर ये एस और ये टी हो और हमें चार एजिस काटनी पड़े और अगर ये एस और ये टी हो और मुझे दो एजिस काटनी पड़े तो फिर मैं ये वाला एस और ये वाला टी लेने की कोशिश करूंगा तो ये अब आपको ख्याल रखना है कि एस और टी आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जिनमें जिनको जिनके दरमियान पार्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस या मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस को डिस्ट्रॉय करना पड़े right. तो अब अगर आप आ, ग्राफ में देखें आ, फिगर में देखें तो आपको फिगर ट्वेंटी फोर के अंदर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है इस ग्राफ में हम पहला तो काम ये करने की कोशिश करते हैं कि आ, देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक वर्टिक्स को काटने से काटने के जरिए से हम इस ग्राफ को डिसकनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं और डिस्कनेक्ट करने का मतलब यह है कि इसको दो ऐसे ग्राफ्स में तकसीम कर दें जिनके दरमियान कोई रास्ता ना हो तो यासिर मुझे आप ये बताइए कि यह ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है इसमें अगर के दो वर्टेस एस और टी तो हैं लेकिन अब इनकी कोई ख़ास अहमियत उस लिहाज से नहीं है कि आप एस और टी के درمیان रास्ते बंद करना चाह रहे हैं हम ये नहीं करना चाह रहे हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ को कुछ वर्टिस रिमूव करने से या कुछ एजेस रिमूव करने से इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें दो हिस्से इस तरह के हों कि इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने का कोई रास्ता ना बचे तो आप मुझे ये बताइए यासिर कि इस ग्राफ में क्या यह मुमकिन है कि क्या सिर्फ एक वर्टेक्स को रिमूव करने से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें दे। मेरे ख्याल में वर्टेक्स ई अगर हम रिमूव कर दें तो इससे पार्शली ये अचीव हो जाएगा आ, हम तो पार्शली तो नहीं करना चाह रहे लेकिन हम करके देखते हैं कि क्या हम कंप्लीटली इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं आपको राइट right डायग्राम में फिगर 24 के अंदर आ, यही ग्राफ नजर आ रहा है माइनस वर्टेक्स ई तो अगर आप माइनस वर्टेक्स ई कर दें या दूसरे अल्फाज में वो तमाम एजेस निकाल दें जो वर्टेक्स ई e के साथ एसोसिएटेड है तो दो हिस्सो में तकसीम हो गया दो हिस्सों तो से तो मसला हल नहीं हुआ तो अब चले मैं, मैं को एक एहसास हो जाए कि किस प्रॉब्लम को हम सोल्व करना चाह रहे के सेंटर में था वो तो मैंने कहा शायद ये दो कम्पोनेट में स्मिट हो जाएगा इसे रिमूव करने में एफ़ को भी देखा क्योंकि उसकी जो द नंबर ऑफ एजज कनेक्टिंग इट इज़ वेरी हाई सो आई थोट ये भी एक पॉसिबिलिटी है लेकिन आई सी दैट ना इधर दैम विल वर्क इसमें बीच में एक्चुअली मेरी इंट्यूशन ये आ रही है जो कि गलत है यहाँ पे कि ग्राफ को दो कम्पोनेट्स में डिवाइड करने का मतलब है दो इक्वल कम्पोनेट्स और यह हम अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे एक्चुअली जी बिल्कुल हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि ग्राफ दो बराबर के हिस्सों में तकसीम हो कि आधे वर्टिस इस साइड पे हो जाएं और आधे वर्टिस हम ये चाह रहे हैं कि आ, किसी ऐसे वर्टेक्स को यहाँ से हटाने की कोशिश करें एक वर्टेक्स को या एक से ज़्यादा वर्टिस को अगर वाकई एक वर्टेक्स से काम नहीं चलता हटा दें तो फिर ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो आ, अभी हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे वो हम बाद में करेंगे अभी तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ये एहसास हो जाए कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो किस किस्म का प्रॉब्लम है

Uh, कोई वर्टेक्स तो डिस्कनेक्ट नहीं हुई जी तो मैं ये खास तौर पे ये एग्जांपल आपको मैंने इसलिए दिखाई थी कि मैं अब थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को ज्यादा स्पेसिफिक बना लू कि आ, हम हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्टेक्स ए को रिमूव करें और देख रहे हैं कि उसके बाद जो बकिया ग्राफ है तो ये जो ये डेफिनेशन है कि अगर आप हाँ किसी वर्टेक्स को रिमूव करते हैं तो आपने देखना यह कि बाकी का जो ग्राफ है right. ए तो खत्म हो गया लेकिन जो बाकी का ग्राफ बचा है कि वो डिस्कनेक्टेड हुआ है या नहीं अगर वो डिसकनेक्टेड नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो वर्टेक्स जो है वो ग्राफ को डिसकनेक्ट नहीं कर रहा तो यहां पर अगर आप देखें तो वर्टेक्स ए तो बाहर निकल गया है लेकिन जो बकिया ग्राफ है वो अभी तक डिसकनेक्ट नहीं हुआ अब अगर आप फिगर 26 की तरफ देखें तो उसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नजर आएगी कि इसमें अगर हम वर्टिक्स एस को निकाल दें तो फिर आप देखें कि ग्राफ

हमने इस ग्राफ को डिसकनेक्ट कर दिया या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि इस वर, इस ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स कट है कोमल इसी तरह है ना डेफिनेशन हमारी वर्टेक्स कट का मतलब यह कि एक वर्टेक्स को हटाने से वो कौन सा वर्टेक्स है जिसको हटाने से सारा का सारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए अगर वह डिस्कनेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब उस ग्राफ में एक वर्टेक्स कट नहीं है तो Uh, अब आपको ये महसूस हो गया आपको ये फीलिंग्स आपके अंदर आ गई हैं आप महसूस कर सकते हैं कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि वो कौन से मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिस हम किसी ग्राफ से रिमूव करें तो हमारे पास ये गारंटी हो कि वो ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाए वो मिनिमम नंबर को हम कहेंगे कि वो ग्राफ की वर्टिक्स कनेक्टिविटी है वह एक नंबर होगा कितना नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा कि उनको उन वर्टिसेस को हटाने से वो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए इसी तरह की डेफिनेशन हमारे पास एज कनेक्टिविटी के लिए भी है कि वो कौन सी एजिस है मिनिमम नंबर ऑफ एजिस जिनको हटाने से ग्राफ के दो टुकड़े हो जाते हैं दो टुकड़े इस तरह से हो जाते हैं कि इस हिस्से से आप दूसरे हिस्से तक नहीं जा सकते तो जिस तरह से हमने वर्टेक्स कनेक्टिविटी डिफाइन की है या सिर उसी तरह से हम एच कनेक्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं अब आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ फिगर 27 में दोबारा नज़र आ रहा है इसमें आप क्या बता सकते हैं कि क्या इस ग्राफ की एच कनेक्टिविटी वन है इसका मतलब ये हुआ इस सवाल का मतलब ये हुआ कि क्या एक एच को रिमूव करने से हम इस ग्राफ को डिसकनेक्ट कर सकते हैं आई right. थिंक uh, uh, इसकी एज कनेक्टिविटी वन है क्योंकि अगर हम ए से एस तक जो एज जा रही है उसको अगर हम रिमूव कर दें तो फिर से ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस ग्राफ की एज कनेक्टिविटी एग्जैक्टली वन है और वो एजेस जिनको रिमूव करने से कोई ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए वो एक एज वो एक एज जिसको रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए

तो मतलब ये कि वो एज वो वाद एज जिसको हटाने से एक ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाए उसको हम ब्रिज एच कहते हैं ये आपको फिगर 27 में नज़र आ रहा है कि अगर हम S से A तक की एज को हटा दें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है फिगर 28 में देखें ये एक और ग्राफ नज़र आ रहा है इसमें भी आपको नज़र आएगा कि एक एज को हटाने से हमारा ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाता है तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें इस एपिसोड को ख़त्म होने से पहले एक बात तो ये कि जब हम कहते हैं कि ब्रिज एज तो इसका मतलब एक एज होनी चाहिए जो ग्राफ को डिसकनेक्ट कर दे अगर एक एज से ग्राफ डिसकनेक्ट नहीं होता तो फिर आपको ज़्यादा एज को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कि ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाए आपके ख्याल में आ, आप कोई आसान तरीके से ये बता सकते हैं मुझे कि भाई इतनी एजिस को तो डिस्कनेक्ट करने से ग्राफ फ़ौर डिसकनेक्ट हो ही जाता है मुझे कोई ऐसा तगड़ा एल्गोरेथम जानने की ज़रूरत नहीं है आ, ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि इतनी एजिस को हटाने से तो ग्राफ डिसकनेक्ट हो ही जाता है हाँ इससे अगर आप कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई इंटेलिजेंट एलगोरेथम डिज़ाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी आप कुछ कह सकते हैं या सिर्फ इसके बारे में अगर मैं आ, किसी वर्टेक्स की मिनिमम डिग्री ढूँढ लूँ तो वो तो मेरे पास नंबर है वो कनेक्ट डिसकनेक्ट कर देंगे तो वो वर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो जाएगी जी तो आपने या सिर्फ सही कहा कि आ, किसी ग्राफ के अंदर अगर हम एक उस वर्टेक्स की निशानदेही कर लें जिसकी डिग्री मिनिमम हो तो वो मिनिमम डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो एजेस हैं उस वर्टेक्स के साथ उनको अगर हम हटा दें तो ग्राफ तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आ, अपर बाउंड एज कनेक्टिविटी के लिए अपर बाउंड जो है वो मिनिमम डिग्री है किसी वर्टेक्स की Uh, अगर आप चाहते हैं कि और भी कम एजेस को रिमूव करने से आ, ग्राफ को डिसकनेक्ट करें और उन एजेस की निशानदेही करें जिनकी तादाद इससे भी कम हो तो फिर आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स तलाश करने पड़ेंगे और उन एल्गोरिथम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी तरह वर्टेक्स कनेक्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हैं किसी ग्राफ की तो उसके लिए भी हम एल्गोरिथम्स नेक्स्ट टाइम करेंगे अब मैं आपको थोड़ा सा समेराइज़ कर दूँ जो हमने आज के एपिसोड में किया हमने शुरू में डिस्कस किया कि किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं कि उसमें हम एस और टी के दरमियान मैक्सिमम एच डिसंट पार्ट्स निकाल सकें उसके बाद हमने एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की जिसके ज़रिए हम एस से ले टी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स डिस्चॉइंट पार्ट्स और मिनिमम वर्टिक्स कट भी निकाल सकते थे उसके बाद हमने आज एच कनेक्टिविटी की बात की भी की और वर्टेक्स कनेक्टिविटी की बात भी की कि एच कनेक्टिविटी का मतलब य था कि वो कौन सी मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस हैं जिनको हटाने से ग्राफ के दो हिस्से हो जाएं और वर्टेक्स कनेक्टिविटी को हमने इस तरह से महसूस किया कि वो कौन से मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्टिसज हैं जिनको हटाने से ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए डिसकन हो जाए दो डिसकनिकट हिस्सों में तकसीम हो जाए इन वर्टेक्स कनेक्टिविटी हम किस तरह एफिशिएंटली निकाल सकते हैं किसी ग्राफ के अंदर किसी अनडाइरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसी तरह हम एच कनेक्टिविटी निकालने के भी ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम ज़्यादा इंटेलिजेंट एल्गोरिथम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आ, अब आप हमें इजाजत दीजिए हमें याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि अनोखे ख्यालों की जिदत के नाम मुझे इजाज़त दीजिए या हाशमी को इजाज़त दीजिए कोमल सैयद को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिएगा खुदा खुदाफि